हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को 3 वीडियो दूंगा। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर, और ये जो वीडियो है इस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं हैं आपके एग्जामिनेशन में। इसका बाद का जो वीडियो होगा उस पर मैं आप लोग को आंसर को सॉल्व करने के लिए जो है तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आप बीए स्टूडेंट हो, बीए इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, झारखंड पाठशाला को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस पर उतना मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोग अपने अनुमान से टिक करके अपना जो है सॉल्यूशन दे देंगे। फिलहाल कुछ जानकारी जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिप्रेजेंटेड इन ओके 14th century, 15th, 16th century। नीचे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप इंग्लिश लिटरेचर जब पढ़ रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो जितने भी टाइप्स हैं इंग्लिश लिटरेचर, चाहे वो पोएट्री को हो या ड्रामा का हो, तो आपको ये सब पढ़ करके ज़रूर जाना चाहिए कि ये कब डेवलप्ड हुआ था, या फिर यह कब इन्वेंटेड किया गया था, या फिर किसने सबसे पहले इसे इन्वेंटेड किया था, या कौन इसके फादर कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करने से पहले इन सब चीज़ों को आप ध्यान जरूर रख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो जो कि आपके 8 नंबर के यानी 8 मार्क्स के होंगे और 3 क्वेश्चंस होंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑलिट्रेशंस एंड एसोनेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आपको ऑलिट्रेशन और एसोनेंस के एसोनेंस को जो है ना आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, दोनों के बीच जो है अंतर बताना है, और वो भी एग्जांपल के आधार पर। तो याद रखिएगा लिटरेरी टर्म्स में जितने भी एलिमेंट्स आपके दिए हुए बेसिक इंग्लिश लिटरेचर का जो कॉन्सेप्ट है, तो जैसे आप पढ़ते हो पोएट्रिक टर्म्स पढ़ते हो या फिर आप प्रोज के टर्म्स पढ़ रहे हो, तो उनमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। पोएट्री के अलग से एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उसी टर्म्स दिए हुए हैं, और आपका जो प्रोज और जो फिक्शन है उसके भी अलग से टर्म्स दिए हुए हैं। तो उसमें जो भी एलिमेंट्स या टर्म्स दिए हुए हैं ना, उनके बीच में अंतर डिफाइन करने के लिए आपको बोल सकता है, यानी आपको अंतर बताना होता है, ठीक है। जैसे सिमिली और मेटाफर के बीच में अंतर बताइए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ना अंतर पूछे जा सकते हैं। जैसे नीचे में ही एक एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, शो अ डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। तो यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पोएट्री के या फिर आपके प्रोज के, तो इनके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चंस दिया जा सकता है, ठीक है। आंसर कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन का टाइप है इस तरह से होगा, डिफाइन मिराकल प्ले एंड मोरालिटी प्ले गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो प्रोज और पोएट्री के जो टाइप्स हैं उन टाइप्स पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिराकल और मोरालिटी प्ले के बारे में आपको बताया गया है सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ में। फिर नीचे एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉमेडी ऑफ होमर्स, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं, कॉमेडी ऑफ होमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर। तो इस तरह के अलग अलग जो है ना आपको डिफिनेशन लिखने के लिए दिया जा सकता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। भले आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा हो, बट इंग्लिश ऑनर्स के अगर आप स्टूडेंट हों तो आंसर लिखने का एक तरीका होता है जिसमें आप छोटे आंसर को भी लंबा खींच सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक्सप्लेन एपिस्टलरी नॉवेल गिविंग एग्जाम्पल्स, उसका अथवा में है व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी, व्हाट आर इट्स मेन एलिमेंट्स। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन जो है आप देख रहे हो, फर्स्ट जो कोर पेपर है उसमें आपका जो टाइप्स है पोएट्री एंड प्रोज के, टाइप्स को आपको डिस्क्राइब करने के लिए दिया जा रहा है, या फिर उसके जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को सेपरेटली डिस्क्राइब करने के लिए दिया जा रहा है, या फिर आपको जैसे शॉर्ट स्टोरी के साथ उसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस, आपको एलिमेंट्स और टाइप्स को जो है ना ठीक से आपको पढ़ करके जाना है। आपका जो कोर पेपर 1 है उसमें इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए लॉन्ग टाइप में भी देख लेते हैं कि लॉन्ग टाइप में क्या दिया हुआ है। अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन रहता है, बस इसमें उस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसे आप लंबा थोड़ा खींच सकते हो, ठीक है। जैसे आप एलिजी जो कि पोएट्री का टाइप है उसे ही दे दिया है। उसके बाद इसका अथवा में देख लीजिए, ड्रामा को आपको डिफाइन करना है और उसका एलिमेंट्स को डिफाइन करना है, जो कि सेम क्वेश्चन है, जो 8 नंबर के क्वेश्चन है वही आपके
15 नंबर के क्वेश्चंस में भी दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो 15 नंबर में जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो उस टाइप के क्वेश्चंस को दिए जाएंगे जिसे मतलब आप ज़्यादा लंबा खींच सकते हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड में आप लिख सकते हो, नहीं तो दोनों बिल्कुल सेम ही रहता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको एक नया टाइप देखने के लिए मेरा डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लॉट इन फिक्शन, ये एक नया टाइप हो गया जिसमें आपको प्लॉट फिक्शन में प्लॉट की क्या इम्पॉर्टेंस होती है वो आपको बताना है, ठीक है। फिक्शन में थीम की क्या इम्पॉर्टेंस होती है वो आपको बताना है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैरेक्टर की क्या इम्पॉर्टेंस होती है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। फिर नीचे में एक क्वेश्चन दिया हुआ, डिफाइन पोएट्री, डिस्कस द टाइप्स ऑफ पोएट्री। आप इसे लंबा कर सके, 8 नंबर होता तो सिर्फ आपको इसमें डिफाइन पोएट्री लिखा होता, लेकिन ये 15 नंबर का तो उसके साथ क्या कर दिया, तो आपको इसके टाइप्स भी बताने और उसे भी थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन कर देना, तो इससे आपका आंसर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो डिफाइन पोएट्री, डिस्कस द टाइप ऑफ पोएट्री, तो इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं। नीचे एक फिर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मेरा डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेज फॉर ड्रामा, ठीक है। आपको पहले बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, प्रोज या फिक्शन के, उस टाइप्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, डिफाइन फिक्शन, डिस्कस इट्स मेन एलिमेंट्स, ठीक है, वही है, आपको फिक्शन बताना है, उसके एलिमेंट्स बताना है। तो आपको तो समझ में आ गया कि क्या करना है, आपको क्या पढ़ के जाना है, आपको पोएट्री पढ़ के जाना है और पोएट्री के टाइप्स पढ़ के जाना है और पोएट्री के एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछेंगे कि पोएट्री डिफाइन कीजिए, उसके मेन एलिमेंट्स डिफाइन कीजिए। आपको प्रोज में भी वही काम करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको ड्रामा पढ़ना तो उसके एलिमेंट्स पढ़ लेने, अगर आपने नॉवल पढ़ा तो उसके एलिमेंट्स पढ़ लेना, शॉर्ट स्टोरी पढ़ा तो उसके एलिमेंट्स पढ़ लेना, बस यही सब क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिक्शन के बारे में दिया, तो फिक्शन को डिफाइन कीजिए और उसके मेन एलिमेंट्स क्या उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और उसके बाद आपका जो स्कैंसन होता है, आपको इस तरह से एक स्टेंजा दिया हुआ रहेगा, उस स्टेंजा को स्कैन करना होगा। स्कैन करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं आपको एक तरीका बता दूंगा स्कैंसन का, एक अलग से वीडियो बना करके, जिसमें आपको 100% वो सही नहीं होगा, बट आपको क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, तो एक तरीका बता दूंगा जिससे कि आपको वही करके आना एग्जाम में, आपको नंबर उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। एक तरह से देखने जाएंगे तो स्कैंसन बहुत ही ईजी होता है, नहीं तो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। तो चलिए आपको दूसरा जो कोर पेपर है उसके भी क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। तो रही बात कोर पेपर 2 की, तो ये सबसे ज़्यादा इजी होता है, इसमें कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है। आपको इसमें क्या करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें आपका एक एपिक है द इलियाड, और उसके बाद है आपका कुछ क्लासिकल लिटरेचर जिसमें से द चेयर्स है, और एक आपका इंडियन नॉवेल है गोदान, और इसके बाद गीदे माउपसान का कुछ शॉर्ट स्टोरी है। तो जो भी आप पढ़ेंगे ना, इसमें आपको समरी पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। तो समरी और कैरेक्टर्स, ये दो चीज़ अगर आप याद रखते हैं ना, तो इससे आपका जो है ना सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए कब पब्लिश हुआ था, ऑथर कौन है, और कैरेक्टर का रिलेशन कौन किसका क्या लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। और मेन जो कोई इवेंट हुआ है उसका रीज़न उज़न जो है आपको याद रखना है। जैसे आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हो, हु वॉज द सेंट्रल मॉर्टल मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेग अगेंस्ट द आर्मी, ठीक है। तो ये आपका इलियाड से लिया गया क्वेश्चन में, उसमें पूछ रहा है कि जो प्लेग फैला गया था उस प्लेग का कारण कौन था, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। आपको मैं आगे का कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, लॉन्ग टाइप वाला एमसीक्यू में छोड़ देता हूँ, आप उससे ये समझ में आ जाएगा आपको कि मतलब किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको हिंट्स मिल जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे 10 अंक का जो है वो 150 वर्ड बोल रहा है यार, बट 150 वर्ड लिखने से आपको नंबर उस तरह का नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉपी चेक होता है ना, वहाँ पे क्या सही और क्या गलत है इसे कम देखा जाता है, पेज गिना जाता है कि कितना लंबा आप आंसर लिखे, उसी की तरह से आंसर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो मान करके चलो 150 लिखा है, तो आपको ये 200 वर्ड आपको पार करने पड़ेंगे, ठीक है, यानी 300 के आसपास मैंने आपको बताया था, तो वो आप यहाँ पर लिखना, ठीक है। वाई इज़ अखिलेश अ हीरो, यहाँ सिंपल है कि अखिलेश के बारे में आपको लिखना, मैं पहले बता चुका हूँ, सेकंड बुक बहुत ही ईजी होता है, आपको बस समरी याद रखना और कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे यहाँ पे अखिलेश को एज ए हीरो यहाँ पर डिफाइन करना कोई ज़रूरत नहीं, आप उसका कैरेक्टर स्केच आप याद करके गए उसी को लिख देना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। नीचे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीच ऑफ अखिलेश हीरो, अखिलेश हीरो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, ऊपर वाला ही आंसर दोगे नीचे वाला भी आंसर हो जाएगा, अथवा में दिया हुआ है क्वेश्चन आपको उलझाएगा यार, बट यहाँ पे कहना का अर्थ है कि आप अखिलेश को जो है ना अच्छा से यहाँ पर डिफाइन कर दो, वही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द नॉवेल गोदान। तो गोदान का जो नॉवेल है उसका मेन आइडिया आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप जान लो कि गोदान का समरी लिख दोगे, काम चल जाएगा आपका। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ गोदान, ये भी वही यार, आप गोदान को अगर डिफाइन कर देते हो तो फिर आपका काम हो जाता है। नीचे आपका क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द थ्री क्लासेज यूज इन द बॉल दे सूप। तो यहाँ पर आपको बॉल दे सूप का समरी आपको लिख देना, उसी में थ्री क्लासेस, उसमें तीन क्लास के बारे में दिखाया गया है, ठीक है, बंटवारा किया गया है, तो वो चीज़ इसमें आपको दिखाना है। आप समरी में ही वो आपका इंक्लूडेड रहता है, आप समरी को ही लिख दोगे तो यहाँ पे भी काम हो जाएगा। लेकिन जब आप समरी को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ थ्री क्लासेस से आप स्टार्ट करोगे बॉल दे सूप का, तो आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पीस ऑफ स्ट्रिंग। पीस ऑफ स्ट्रिंग का मैसेज क्या है, तो आपको सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे समरी लिख दोगे काम आपका चल जाएगा। आपको जस्ट सेकंड वाला जो बुक है आपको दो ही चीज़ उसमें लेकर के चलना है, समरी और कैरेक्टर, समरी और कैरेक्टर, बस इसी का पूरा आपका एग्जाम का खेला है। हो सकता है आप किसी और कहानी का जो है ना समरी पढ़ करके गए थे, वो नहीं पूछा बल्कि दूसरा पूछ दिया, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। आपको बस थोड़ा बहुत कैरेक्टर चेंज करके जो है ना आपको जो है ना लिख देना है उसी को, कॉपी आपको खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है, आपको लिख देना है उसी को और लिख करके छोड़ देना है। अगर चेक अगर वो होता है तो फिर आपका नंबर कटेगा, अगर चेक नहीं होता तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उम्मीद करता हूँ कि दिया गया इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कोशिश करता हूँ उसे जल्द से जल्द अपलोड कर देने के लिए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए।